दोस्तों, बॉडी में जमा हुआ फैट एक एनर्जी का सोर्स होता है। जो भी चीज़ें हम खाते हैं उससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है। जब भी ये न्यूट्रिशन हमारी बॉडी की ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, हमारी बॉडी उस एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन को बॉडी फैट बनाकर जमा कर लेती है। जैसे गाड़ी को एनर्जी पेट्रोल से मिलती है, वैसे ही हमारी बॉडी की गाड़ी को एनर्जी बॉडी फैट और ग्लूकोज से मिलती है। तो आज दोस्तों हम हिप्स और थाई फैट लूज करने का साइंटिफिक तरीका समझेंगे, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें और फॉलो करें। दोस्तों, कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से फैट बॉडी में किसी खास जगह पर जमा होने लग जाता है। ऐसे रीजंस को हम कहते हैं ट्रिगर्स। ट्रिगर्स का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत करने वाले कारण। हिप्स और थाइज में ज़्यादा फैट जमा होने के चार मेजर ट्रिगर्स होते हैं। पहला ट्रिगर है एस्ट्रोजन ट्रिगर, दूसरा ट्रिगर है लीवर ट्रिगर, तीसरा ट्रिगर है मसल ट्रिगर और चौथा ट्रिगर है इंसुलिन ट्रिगर। सबसे पहले बात करते हैं एस्ट्रोजन ट्रिगर की। एस्ट्रोजन दोस्तों एक ऐसा हार्मोन होता है जिससे लेडीज की बॉडी में फीमेल फीचर्स आते हैं। ये हार्मोन लेडीज में ज्यादा होता है और आदमियों में काफी ज्यादा कम। सही मात्रा में एस्ट्रोजन लेडीज के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जब एस्ट्रोजन जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो इससे हिप्स, थाइज और चेस्ट में ज्यादा फैट जमा होने लग जाता है। यानी अगर आपको हिप्स और थाई फैट कम करना है तो आपको एस्ट्रोजन कंट्रोल में करना होगा। एस्ट्रोजन कंट्रोल में करने का सबसे बेस्ट तरीका है डाइट कंट्रोल। इसमें दो मेजर स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है दूध और दूध से बनी चीजों पर कंट्रोल। दोस्तों, दूध में काफी एस्ट्रोजन पाया जाता है, लेकिन एस्ट्रोजन एक फैट सॉल्युबल हार्मोन है, यानी ये दूध के फैट में घुला होता है। इसलिए अगर आप मलाई वाला दूध या दूध से बनी चीजें जैसे कि मक्खन या पनीर ज्यादा खाते हैं तो आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आप ये सजेशन फॉलो करें, एक दिन में एक दो ग्लास दूध जरूर पिए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। मलाई वाला दूध ना पिए, स्किम मिल्क पिए, मक्खन घी और पनीर कम से कम खाएं। दूसरा स्टेप है दोस्तों एस्ट्रोजन कंट्रोल करने वाली चीजें जैसे कि क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स को डाइट में ऐड करना। क्रूसीफेरस वेजिटेबल होते हैं जैसे कि बंद गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली और शलगम। क्रूसीफेरस सब्जियों में एंटी एस्ट्रोजन प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। सीजन के हिसाब से जब भी क्रूसीफेरस सब्जियां मिले तो आप हफ्ते में 4 से 5 बार एक कप उबली हुई क्रूसीफेरस सब्जियां खाएं। साल में कुछ मंथ भी अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन कंट्रोल हो जाएगा और हिप्स और थाई से फैट लूज करना बहुत बहुत आसान हो जाएगा। हिप्स और थाई फैट ज्यादा होने का दूसरा बहुत बड़ा ट्रिगर है लीवर ट्रिगर। दोस्तों, लीवर हमारी बॉडी में कई फंक्शन कंट्रोल करता है। इसमें से एक है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि हमारी बॉडी जिंदा रहने के लिए और नॉर्मल फंक्शन करने के लिए कितनी एनर्जी का इस्तेमाल करती है। अगर हमारा लीवर सही से काम नहीं कर रहा है तो हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत घट जाता है। जितना ज्यादा मेटाबॉलिज्म कम होगा उतना ही ज्यादा हमारी बॉडी में फैट जमा होता जाएगा। तो हिप्स और थाई फैट आखिर क्यों बढ़ता है? क्योंकि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा एनर्जी या बॉडी फैट जमा करने की जगह हिप्स और थाइज में होती है। इसलिए मेटाबॉलिज्म स्लो होने पर हिप्स और थाइज में एक्सेस फैट जमा होने लग जाता है। इसका सलूशन है दोस्तों लीवर का प्रॉपरली फंक्शन करना। अगर आपके लीवर में टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता जाएगा। इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए आपको एक लीवर डिटॉक्सिफिकेशन डाइट लेनी है। ये डाइट प्लान जो कि हिप्स और थाई फैट खत्म करने में बहुत इफेक्टिव है, अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो इसे जरूर फॉलो करें। अगला ट्रिगर है दोस्तों मसल ट्रिगर। हिप्स और थाइज की बात की जाए तो ये हमारी बॉडी की सबसे ताकतवर मसल्स में से एक होते हैं। तो अगर आप हिप्स और थाइज की एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आप वेट लॉस करने का एक बहुत बड़ा तरीका गवा रहे हैं। इसलिए कुछ एक्सरसाइजेस जरूर करें। जैसे कि पहली एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं वो है स्क्वैट। स्क्वैट करने का तरीका अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं वो इसी कैटेगरी में आती है और वो है लंज। लंज स्क्वैट की ही एक वेरिएशन है, लेकिन इसे आप एक टांग से करते हैं। तीसरी एक्सरसाइज है स्टेयर्स, यानी सीढ़ियां चढ़ना और उतरना। ये सब एक्सरसाइजेस कितनी बार और कैसे करनी है इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, जो आप इस वीडियो के बाद जरूर देखें और फॉलो करें। अभी बात करते हैं चौथे और सबसे बड़े ट्रिगर की, जो कि है इंसुलिन ट्रिगर। इंसुलिन दोस्तों एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी बॉडी में फैट की चाबी की तरह काम करता है। जब भी हम कुछ खाते हैं हमारी बॉडी में इंसुलिन निकलता है, और जब इंसुलिन हमारी बॉडी में होता है तो उस टाइम हमारी बॉडी वेट गेन करती है। अगर आपको वेट लॉस
करना है तो आपको इंसुलिन का निकलना कम करना होगा। ये आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है इंसुलिन दिन में कम बार निकले, और दूसरा तरीका है जब भी इंसुलिन निकले तो वो कम से कम हो। इसलिए आपको दिन में बार बार खाना नहीं खाना है। कई लोगों को हर 2-3 घंटे बाद कुछ ना कुछ स्नैक खाने की आदत होती है। ऐसे लोगों की बॉडी में इंसुलिन ज्यादा निकलता है, जिससे हरदम ही उनकी बॉडी फैट स्टोर करने के मूड में रहती है और वेट लॉस नहीं हो पाता। इसलिए आप दिन में 2 से 3 बार से ज्यादा बार ना खाएं, और जब भी आप कुछ खाएं तो ऐसी चीजें खाएं जो इंसुलिन ज्यादा नहीं बढ़ाती हैं। जो चीजें इंसुलिन को ज्यादा बढ़ाती हैं और आपको कम खानी है वो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो चीजें इंसुलिन ज्यादा नहीं बढ़ाती और आपको ज्यादा खानी है वो भी अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो आप इसे जरूर नोट कर लें। इसके अलावा इंसुलिन कंट्रोल का बहुत ही सॉलिड तरीका है 3 दिन मॉर्निंग फास्ट करना, यानी ब्रेकफास्ट स्किप करके सीधे आपको 1 बजे लंच करना है। कम से कम 15 से 20 दिनों तक वेट लॉस डाइट फॉलो करने के बाद ही मॉर्निंग फास्ट करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।